जालंधर भारत के राज्य पंजाब में स्थित है, जो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ से 145 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। जालंधर भारत के ऐतिहासिक शहरों में से एक है, जो अपने सदियों पुराने मंदिरों, गुरुद्वारों और मॉन्यूमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। जालंधर पंजाब राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जो पंजाब के दोआबा क्षेत्र में स्थित है और ये शहर अमृतसर से केवल 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। जालंधर शहर अपने खेल के उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है और यहाँ पर जिन स्पोर्ट इक्विपमेंट को बनाया जाता है उनका प्रयोग ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में किया जाता है, जिस वजह से इस शहर को स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा जालंधर शहर पंजाब राज्य की राजधानी भी रह चुका है। 1947 में आज़ादी के बाद इस शहर को पंजाब की कैपिटल घोषित कर दिया गया था, लेकिन जब 1953 में चंडीगढ़ का गठन हुआ तो उस समय चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बना दिया गया। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो जालंधर पंजाब का तीसरा और भारत का 58वां सबसे घनी आबादी वाला शहर है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 10 लाख के आसपास है। 2011 की जनगणना के अनुसार जालंधर शहर में 75% हिंदू, 21% सिख, 1% मुस्लिम और 3% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। अगर टूरिज्म की बात की जाए तो जालंधर में घूमने के लिए काफ़ी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहां पर हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं जालंधर में घूमने की 5 सबसे अच्छी जगह, जहां पर हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है जंगे आज़ादी म्यूजियम। जंगे आज़ादी म्यूजियम जालंधर के करतारपुर में स्थित है। यह म्यूजियम पंजाब के बहादुर वीर जवानों को समर्पित है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इस म्यूजियम को बनाने में 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है, जो 25 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 4 पर है निक्कू पार्क। निक्कू पार्क जालंधर का एक फेमस पिकनिक स्पॉट है, जो जालंधर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इस पार्क में आप लोग फाउंटेन्स, बुल राइड, बच्चों के लिए झूले आदि चीज़ों का मजा ले सकते हैं। आप लोग यहाँ पर अपनी फैमिली और फ्रेंड दोनों के साथ घूमने आ सकते हैं। नंबर 3 पर है पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी एक साइंस म्यूजियम है। इस जगह को साइंस सिटी कपूरथला के नाम से भी जाना जाता है। ये साइंस सिटी 72 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ पर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आकर आपको लगेगा कि आप डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं। नंबर 2 पर है वंडरलैंड। वंडरलैंड जालंधर में घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छा अम्यूजमेंट एंड वाटर पार्क है। अगर आप जालंधर में वाकई में मस्ती करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर घूमने ज़रूर आएँ। यह जगह जालंधर के बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। वंडरलैंड थीम पार्क 11 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। और अब नंबर 1 पर है देवी तालाब मंदिर। देवी तालाब मंदिर जालंधर का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर देवी दुर्गा जी को समर्पित है। देवी तालाब टेम्पल भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। जालंधर के इस मंदिर को देखने हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। यह जगह जालंधर में घूमने की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। आप लोग इन जगहों के अलावा जालंधर में घूमने के लिए गुरुद्वारा तलहान साहिब, शोडल टेम्पल, गांधी स्टेडियम, नेहरू पार्क, रंगला पंजाब हवेली, स्वामी नारायण टेम्पल, सेंट मैरी कैथेड्रल आदि जगह जा सकते हैं।